दोस्तों, हमारे जीवन खान पान और हमारी जो जीवन शैली है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, इसके बहुत सारे उदाहरण आज हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूँ, वो है कुकिंग ऑयल। हमारे यहाँ पर चीज़ों को फ्राई करने के लिए प्राचीन काल से ही घी और तेल का प्रयोग किया जाता है। गाय का घी सर्वोत्तम माना जाता है, उसके बाद बाकी के घी हैं, जिसमें कि भैंस का और बाकी भी और जो हैं बकरी ऊँटनी इस तरीके से इनका। प्राचीन काल में हर चीज़ में गाय का घी ही डाला जाता था और उसी का सेवन किया जाता था, उसी के दूध का सेवन किया जाता था। जहाँ तक तेल की बात है तो तेल में जो प्राचीन काल में जो तिल का तेल है वो श्रेष्ठ माना जाता था, और उसके बाद नारियल का तेल होता था, और सरसों का तेल हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। यह केवल पंजाब के जो कुछ क्षेत्र या नॉर्थन इंडिया है वहाँ पर बहुतायत से प्रयुक्त होता है, और जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल अधिक मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नारियल के तेल नारियल के जो पेड़ हैं वो भी बहुतायत से पाए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक ऐसी बाढ़ चली कि जो ऑलिव ऑयल है उसका प्रयोग बहुत अधिक होने लगा। मार्केट पट गए, मार्केट में हर जगह आपको ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल, हर आदमी ऑलिव ऑयल पकाता था। कुछ साल चलने के बाद फिर कुछ रिसर्च आई और ये पता लगा कि इसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है, बल्कि ये जो हमारे नॉर्मल सरसों का तेल है उसकी तुलना में भी बहुत ही अलग तरीके का बेकार है, कोई उसका लाभ नहीं है। लेकिन इतने दिनों तक वो बिकता रहा। वो आपका मूल ऑयल नहीं है, आपके यहाँ पे वो नहीं यूज होता है, आपकी संस्कृति का वो भाग नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे बेच दिया गया और बहुत अधिक अच्छे तरीके से कंपनियों ने मुनाफा कमाया। हमारे जो खाने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ों में इतना अधिक इन्फ्लुएंस, और आप देखेंगे कि अधिकाधिक जो इस प्रकार के खाने हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए बिल्कुल गलत हैं। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो बर्गर है, चाहे वो मोमोज हैं, इनका कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, दे आर यूजलेस फूड। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पर्टिकुलरली जो पाइल्स फिस्टुला जैसी डिजीजेज हैं, जो एनोरेक्टल डिजीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से सोसाइटी में बढ़ रही हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार के ये फास्ट फूड हैं। जो मूल फूड है हमारी संस्कृति का, जिसमें दूध है, जिसमें घी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो बनाई हुई जो वेजिटेबल्स हैं उनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल फ्लोरा जिसमें हम दही भी खाते हैं, वो पूर्ण रूप से मेंटेन करती हैं। और हमारी सारी फल और सब्जियां जो सीजनल हैं वो उसी सीजन के गुण लिए हुए रहती हैं। जैसे खरबूजे और तरबूजे में पर्याप्त रस होता है उस समय पे जो है। प्रकृति ने आपको एक अच्छी चीज़ दी है, लेकिन ये जो मार्केट ड्राइवन जो स्ट्रेटेजी होती है ये कहीं ना कहीं बहुत सत्यानाश कर देती है। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें घुस गई हैं जो ना कभी हमारी संस्कृति में थी और ना हमारे शरीर उसके लिए उपयुक्त हैं। दो उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जो सबसे पहला है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है गेहूँ, गोधूम। जब धान्यों की बात आती है तो धान्यों में आयुर्वेद में तो फूड का बहुत अच्छा उल्लेख होता है, तो धान्यों में गोधूम को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। धान्यों में यव यानी कि जौ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जौ हमारी संस्कृति से कब निकली हमें नहीं पता, हम नहीं खाते उसको। ठीक इसी प्रकार से जब चावल की बात आती है तो चावलों में जो शाली है, शाली चावल जो है, लाल चावल जो है, वो पुराने ज़माने में खूब खाया जाता था, सस्टिक भी खाया जाता था। लेकिन अब ये जो आधुनिक चावल हैं ये कहाँ से आ गए और किस प्रकार से इन्होंने बाकी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। सुगंधित चावल यानी कि बासमती राइस तो फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं इस रेस में खो गए। ठीक इसी प्रकार से जो जीवंती साख थी वो कब हमारी डाइट से निकल गई, कब हमारी डाइट से वास्तु यानी कि बथुआ निकल गया और सरसों का साग आ गया, हमें पता ही नहीं चला। कब हमारे
दालों में तो अभी कुछ समस्या ज़्यादा नहीं है। दालों में तो अभी भी हम मूंग की दाल जो श्रेष्ठ है, मसूर की दाल जो श्रेष्ठ है, वो हम खाते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कंद हैं, जैसे कंद आलू हैं, ये जो ट्यूबर्स जो फूड हैं, इनको बहुत ही वर्स्ट बताया गया है। और आज हम सबसे अधिक आलू ही खाते हैं। एक गेहूं की रोटी से 100 कैलोरी में हमको मिलती है। जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। लेकिन जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं उनके लिए यदि वो दिन में 7 रोटी भी खा लेता है या 8 रोटी, तो उसको 800 कैलोरी तो केवल इसी से प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो छोड़िए अलग। अब इसके बाद मीठा, भरपूर मात्रा में मीठा, उसकी कैलोरी आप अलग छोड़ लीजिए। समोसा खाते हैं, उसकी कैलोरी आप अलग गिन लीजिए। तो ये जो डाइट का पैटर्न है, ये डाइट का पैटर्न बिगड़ने से और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बढ़ने से भारत आज एक डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हमको कहीं ना कहीं अपने खाने में बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे, और जो मूल हमारे खाने हैं हमें उसकी तरफ ही आना होगा, मूल जीवन शैली की ओर ही आना होगा, तभी इससे मुक्ति संभव है। दवाइयों से ये ठीक कभी भी नहीं होगा।